हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपी ब्लॉगर शिवा। सो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे से बढ़िया से होंगे। तो गाइज, आज का व्लॉग हमने कर लिया है शुरू और उम्मीद करते हैं ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। तो आज हम थोड़ी सी शिफ्टिंग कर रहे हैं और ये मेरा बड़ा वाला ड्राइंग रूम है, बहुत बार आपने मेरी वीडियो में देखा है। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा घिचपिच हो रही थी, बहुत सारे सोफ़े घर में हो गए हैं। जितनी भी बहुएँ अब तक घर में आई हैं, सबके सोफ़े इसी वाले ड्राइंग रूम में पड़े हुए हैं। लेकिन गाइज़ अभी ना मतलब जगह नहीं, आप देख सकते हैं कि मतलब दरवाजे तक ना ये सोफे आ गए हैं। तो निकलने के लिए ना थोड़ा सा मतलब जगह नहीं है और बहुत ही ज़्यादा घिचपिच सी हो रही थी। तो फिर हमने सोचा कि थोड़ा सा मतलब ड्राइंग रूम को चेंज करते हैं। और ये मेरे वाले जो सोफे हैं ना, ये इनके जो दो मतलब ये चेयर होती है, मैंने सोचा इनको अपने रूम में डाल लेती हूँ। और ये ना वो वाले सोफे हैं, महाराजा सोफे मतलब इनको बोलते हैं। तो ये ना मतलब जगह भी बहुत ज़्यादा लेते हैं। और अभी मेरी देवरानी के डबल टेबल मतलब सोफ़े हैं उनके, तो एक सोफ़ा तो उनके रूम में हम लोगों ने डाल दिया है और दो जो है वो ड्राइंग रूम में हैं। और अभी ना मतलब ये इन पे चादर वगैरह डाली हुई है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लाइट कलर के हैं और इतनी ज़्यादा इस टाइम पे धूल वगैरह उड़ रही है क्योंकि धान वान निकल रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब धूल उड़ रही है। तो धूल से बचाने के लिए ना इनको हमने थोड़ा सा कवर करके डाल दिया है। और यहाँ पर देखें, ये गुलना चाची का सोफ़ा है, तो इसको ना मैं अपने सोफ़े के बगल में डाल दूँगी। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी सी मतलब स्पेस हमें मिल गई है और काफ़ी मतलब जगह निकल के आ गई थी। और यहाँ पर देखें, ये मेरे देवरानी के जो सोफ़े हैं, ये दोनों फिर बराबर बराबर हो जाएंगे। तो ये वाला जो दोनों सोफ़े थे ना, वो हमने ऊपर डलवा दिए हैं, वो रूम में डलवा दिए हैं। और ये बड़ा वाला सोफ़ा आ गया है, एक ये वाला आ गया। सोफ़े इतने ज़्यादा हो रहे थे ना, यहाँ घिचपिच हो रही थी, तो ये अब ये थोड़ा सा यहाँ सेट हो गया है। थोड़ी सी ना मतलब जगह मिल गई है, ये देखो वहाँ बिल्कुल दरवाजे से मिल रहा था, निकलने की भी ना जगह नहीं थी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कपड़े भी प्रेस करने के लिए डाले हुए हैं और मैं ना कपड़े प्रेस कर ही रही थी, फिर मैं छोड़ के चली गई थी क्योंकि ये लोग ना मतलब ड्राइंग रूम में सेटिंग करने लगे थे। तो फिर अभी ये कपड़े प्रेस करके मैं जाऊँगी ऊपर क्योंकि मुझे आज ऊपर की भी सेटिंग करनी है। तो यहाँ पर इन लोगों ने ये जो दो सोफ़े डाले हैं ना, तो मैं देख रही थी इनकी सेटिंग करके कि ये ना कहाँ सही लगेंगे। और यहाँ ये कूलर भी मैंने बाहर निकाल दिया है, ये मेरी देवरानी का ही कूलर है, तो नीचे जगह नहीं थी तो ये ऊपर रखवा दिया गया था। और यहाँ पर देखिए, ये सोफ़े ना मैं लगा कर देख रही हूँ कि ये इधर सही लगेंगे या फिर उधर सही लगेंगे। और आज हस्बैंड भी घर में ही हैं, उनकी छुट्टी थी क्योंकि आज संडे है। तो फिर मैंने इनसे बोल दिया था कि आप ही मतलब ये सोफ़े ऊपर रखवा दो क्योंकि मैं तो अकेले इनको नहीं रख सकती बिल्कुल भी। और भाई भी भाई और कैफ वगैरह भी घर में थे मतलब, तो उन दोनों ने उठा करके ये यहाँ रख दिए थे। और यहाँ पर देखिए, पहले मैंने इनको इधर मतलब इनकी सेटिंग की और फिर मैं सामने इनको लगा करके देख रही हूँ। मुझे ना समझ में नहीं आ रहा था कि ये कहाँ पर सही लगेंगे क्योंकि एक तो मतलब ये काफ़ी बड़े सोफ़े हैं ना और मतलब ये जगह भी बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो यहाँ मतलब मेरे कमरे में ना बैठने के लिए कुछ भी नहीं था, फिर मैंने यही सोचा कि नीचे थोड़ी सी जगह खाली हो जाएगी और मेरे कमरे में मतलब बैठने के लिए भी कुछ मतलब हो जाएगा। तो ये इसी वजह से मैंने ये सोफ़े यहाँ पर डलवाए हैं। और यहाँ पर देखिए, मैं टेबल लगा करके देख रही थी कि ये यहाँ सही लग रहे हैं, ये मतलब किधर मतलब इनकी सेटिंग सही बैठेगी। तो आज ना अच्छे से ही मतलब मुझे ये सेटिंग करनी है क्योंकि आज तो इनकी छुट्टी है, तो ये मिलके करवा देंगे। फिर रोज़ा रख कर के मुझसे इस तरह के काम नहीं होते हैं, मैं नहीं कर पाती हूँ अकेले। तो अभी सोफ़े ना ऐसे डाल दिए हैं, पहले हमने ना इधर सामने डाले थे तो मुझे कुछ ठीक नहीं लगे, और अभी मैंने ये इधर इनको इधर डाल दिया है तो इधर ये थोड़े से ठीक लग रहे हैं। वैसे तो रूम में काफ़ी जगह मतलब स्पेस इन्होंने ले लिया है, लेकिन नीचे भी ना बहुत ज़्यादा मतलब जो हमारे ड्राइंग रूम में घिचपिच हो रही थी क्योंकि सोफ़े बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो मैंने सोचा दो यहाँ डाल लेते हैं तो बैठने बैठने के लिए ना सही हो जाएगा क्योंकि रूम में बस एक बेड के अलावा और कुछ नहीं था, बस अलमारी है और एक ड्रेसिंग है और कुछ नहीं है। तो अभी ये दोनों सोफ़े हमने यहाँ डाल लिए हैं तो, और यहाँ पर टेबल आ जाएगी। तो अभी यहाँ मैंने फ़िलहाल सेट कर दिए हैं, अब इनकी अच्छे से देखूँगी एक दो दिन में, इनको मुझे साफ़ करना है, काफ़ी गंदे हो गए हैं क्योंकि बहुत लाइट कलर के हैं। तो वो जब मैं इसको क्लीन करूँगी ना, वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कि मैं सोफ़ों को कैसे क्लीन करती हूँ। टेबल भी मुझे क्लीन करनी है, वैसे तो इस पर डेली कपड़ा रखता रहता है लेकिन ना ये कलर कुछ ऐसा है ना, धूल इस पर अलग ही नज़र आती है। तो चलो अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पर ये सोफ़े यहाँ पर सही लग रहे हैं कि सामने मतलब यहाँ वाली मतलब वॉल के पास सही लग रहे थे।
तो कमेंट करके बताइएगा और सजेशन भी ज़रूर दीजिएगा। तो चलो पहले काम कर लेती हूँ फिर बात करती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपी ब्लॉगर शिवा। सो फ्रेंड कैसे हो आप सभी, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया से होंगे। तो गाइज आज का ब्लॉग कर लेते हैं शुरू। और ये ना संडे का ब्लॉग है, आज संडे है। तो आज अभी मैं देखो नहा के आई हूँ, मेरे बाल गीले हो रहे हैं और मैं ना अभी नमाज़ पढ़ने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि ये देखो टाइम दिखा देती हूँ आपको, 2 बज चुके हैं, 2 बजे मतलब 2 बज गए हैं और मैं थोड़ी सी लेट भी हो गई हूँ नमाज़ के लिए। तो फाइनली अभी मैं ना मतलब काम वाम करके फ्री हुई हूँ और साफ़ सफ़ाई मेरी सारी हो गई है। और देखो टावल भी ना मेरा ऐसे ही पड़ा है, अभी वॉशरूम से आई थी ना नहा के, तो मैंने टावल यहीं पे डाल दिया। इसको भी अभी उठाऊंगी, इसकी जगह पर रखूंगी। और वज़ू मेरा हो रहा है तो मैं पहले नमाज़ पढ़ूंगी, क्योंकि नमाज़ कज़ा नहीं होनी चाहिए। और आज संडे है तो आज ये भी घर में थे, इनकी भी संडे वाले दिन तो छुट्टी होती है। तो मैंने आज मतलब सोफ़े ना नीचे से अपने रूम में डलवाने थे, तो आज वो भी सोफ़े मैंने डलवा लिए हैं। और ये देखो मैंने ना अच्छे से सेट कर दिए हैं, टेबल वगैरह लगा के ना अच्छे मतलब अच्छे लग रहे हैं ना बैठने के लिए। अब थोड़ा सा ना मतलब सही रहेगा, क्योंकि सिर्फ रूम के अंदर ना मेरा ये बेड ही था और बेड ड्रेसिंग और सिर्फ अलमारी थी, मतलब पूरा रूम काफ़ी बड़ा है मेरा, तो काफ़ी स्पेस भी था। तो मैंने सोचा चलो नीचे, आजकल ना घिचपिच बहुत ज़्यादा हो गई है, काफ़ी सारे सोफ़े हो रहे थे, शबाना बाजी का, मेरा और गुलना चची का, तो 3-4 सोफ़े ऑलरेडी मतलब ड्राइंग रूम में पड़े हुए थे। और अब मेरी देवरानी का है वो भी सोफ़ा मतलब आ गया है, उनका डबल टिबल सोफ़ा है, मतलब 9 सीटर मतलब सोफ़ा है उनका। तो फिर जगह ना बिल्कुल भी नहीं मतलब बच रही थी, तो मैंने सोचा ये जो 2 वाले सोफ़े होते हैं ना, 2 अलग अलग वाले जो होते हैं, इनको मैं रूम में डाल लेती हूँ। और काफ़ी अभी भी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा स्पेस मेरे रूम के अंदर बचा है। अच्छा आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये सोफ़े यहाँ पे सही लग रहे हैं या मैं सामने वाली वॉल के वहाँ पर इनको डालूं। मैंने ना मतलब डाल के देखे थे, तो प्लीज़ मुझे आप थोड़ा सा सजेशन दीजिएगा। तो ब्लॉग को हमने जैसे शुरू कर लिया है, कंटिन्यू कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा और आगे आगे क्या होगा वो मैं आपको दिखाऊँगी। आजकल ऐसे ही हो रहा है, जब मुझे टाइम मिलता है ना मैं मतलब उसी टाइम अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि प्रॉपर ऐसा नहीं हो पा रहा है कि मैं एक टाइम मतलब फिक्स कर लूँ और व्लॉग तब से स्टार्ट करूँ, क्योंकि रमज़ान चल रहे हैं। रमज़ान में ना गाइस बहुत सारा काम हो जाता है और सबसे ज़्यादा पढ़ाई का काम इतना ज़्यादा होता है माशाल्लाह, क्योंकि टाइम से खाना पीना भी हम लोगों को बनाना होता है और मतलब कुरान शरीफ भी हमें पढ़ना होता है। वैसे तो नॉर्मल डेज में भी हम रेगुलर ही पढ़ते हैं, लेकिन रमज़ान में क्या होता है, रमज़ान में ना मतलब ज़्यादा तिलावत होती है, ज़्यादा मतलब पढ़ाई होती है, तो उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। और फिर टाइम से खाना पीना, इतना सारा खाना पीना बनता है, इफ्तार वगैरह होती है, आजकल नींद भी पूरी नहीं है। 2-2.5 बजे मैं वैसे भी मतलब उठ जाती हूँ सहरी के लिए, तो उसके बाद मैं बिल्कुल फिर मैं सोती नहीं हूँ, तो सारे काम है। और आज मेरे कपड़े भी प्रेस के पड़े हुए थे, वो भी मैंने मतलब प्रेस किए हैं, सब अलमारी में लगा दिए हैं। तो अभी नमाज़ पढ़ूंगी पहले, उसके बाद नीचे चलूँगी, फिर दिखाऊंगी आपको शाम में मैं आज क्या करने वाली हूँ। और आज हमारा प्लान था मार्केट जाने का, बट अभी देखती हूँ। और मून के डैडी को तो ना गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है, वो तो निकलने के लिए तैयार ही नहीं होते, जबकि देखो रमज़ान रखे वो डेली बाहर रहते हैं, लेकिन छुट्टी वाला दिन है ना, तो आज घर से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है वो। तो अभी देखती हूँ, अगर वो जाएंगे, अगर मैं मार्केट गई तो वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, ईद की थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। तो चलो फिर देखती हूँ, अगर जाती हूँ तो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा, कंटिन्यू कर लेते हैं व्लॉग को और उम्मीद करते हैं ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को, वीडियो में अगर ज़रा सा भी आपको कुछ अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो गाइज नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आ गई थी नीचे और यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ इफ्तार की। और आज ना मैं इफ्तार में मतलब पकोड़े बनाने वाली हूँ। और यहाँ पर आज मेरे पास ज़्यादा वेजिटेबल नहीं है, क्योंकि घर में ना सब्ज़ियाँ सारी ख़त्म हो गई हैं और आज संडे है, तो मेरे घर में ना संडे टू संडे ही मतलब सब्ज़ियाँ आती हैं। तो शाम को इफ्तार के बाद जाएंगे मंडी और सब्ज़ियाँ लेकर के आएंगे। तो यहाँ पर मैं प्याज, आलू, बैंगन और हरी मिर्च की ही मतलब मैं पकौड़े बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं काट पीट करके रख दे
दूँगी, तो मैं ना पहले ही मतलब तैयारी करके रख देती हूँ, तो फिर मुझे काम करने में थोड़ा आसानी रहती है और काम ना जल्दी हो जाता है। मतलब सब्ज़ियाँ वगैरह मतलब कट पिट जाए ना तो फिर टाइम नहीं लगता है खाना बनाने में। और आज खाने में ना मैं बस दाल रोटी बनाऊँगी, क्योंकि आजकल ना खाना थोड़ा ही बन रहा है और खाना ना ज़्यादा खाया नहीं जा रहा है। तो खाना मतलब वैसे भी शहरी में मैं डेली ताज़ी सब्ज़ी बनाती हूँ, तो थोड़ा बना लें और मतलब खा लें, फिर खाना वेस्ट होता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको काट पीट लिया है और भजिया टाइप में ही मैं इनको मिक्स करके पकोड़े बनाऊंगी। तो गाइस इस वीडियो का हमें एंड करना है, रेसिपीज़ में मैं पकोड़ों के ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि वीडियो ना बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।